आ गए आप लोग तमाशा देखने के लिए। चलो भाई आ गए हो तो देख लो तमाशा। एनीवेज तो आज हम लोग जा रहे हैं धरती धोरा की रिसोर्ट, साथ में है मेरे कैलाश जी, तेजस और उनकी फैमिली, दो बंदे और हैं जो रास्ते में मिलेंगे तो उनसे इंट्रोड्यूशन बाद में कराएंगे। नहीं, इतनी उमस वाला मौसम है ना आज, तो सोचा चल ही आते हैं। तो बस हम लोग निकले हैं, हम लोग यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर्स है बीकानेर से धरती धोरा की रिसोर्ट। और अभी रास्ते में पता चला कि हमें उसमें बुकिंग चल रही है, कोई फैमिली वाले आ रखे हैं तो वो लोग सिंगल्स को अलाउ नहीं करेंगे। तो बस अब ज़्यादा कुछ सोच नहीं सोच रहे, वहाँ जाके ही देखेंगे कि अलाउ करते हैं कि नहीं करते। इन केस अलाउ नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे सीधा तेजा गार्डन। मेरे साथ में राकेश जी और तीन बंदे और भी हैं, तो उनसे बाद में सबको मिलवाऊंगा। सावन चल रहा है तो बारिश भी लगातार हो रही है, मौसम भी सुहाना बना हुआ है। हम लोग पहुंचने को है धरती दोरा की। पदम जी का फोन आ गया तो पदम जी भी आने को है। तो लो ये हम पहुंच गए हैं धरती धोरा की। मतलब काफ़ी अच्छा बंदे ने ना इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। कहते हैं इसमें 120 रूम है, अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन शायद नेक्स्ट मंथ चालू होने का है, और करीब 20 करोड़ का बजट बता रहे हैं। अभी और न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है वो तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा बताया गया था हमें बाहर। वही हुआ जिसका डर था, यहाँ बुकिंग है 7 बजे, ये बुकिंग हटेगी मतलब 7 बजे में एंट्री मिलेगी तो बहुत लेट जाएगी। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं तेजा गार्डन। तो ये हम लोग पहुंच गए तेजा गार्डन, और चलो लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में, करते हैं फन। तो वैसा भी दुकानदारी देख लो, 4 फीट से नीचे 300 रुपये, 4 फीट से ऊपर 500 रुपये, तो लगभग दो एक बच्चे को छोड़ के सबके पास 500 रुपये लेंगे। लेकिन ठीक है, हम लोग थोड़ा आए भी लेट हैं, 4:30 बज गए हैं हमें आते आते यहाँ पे। अगर सुबह तक आओ ना तो मतलब बुरा पैसा वसूल है। ये राकेश जी हैं, कैलाश जी, सबने ये पट्टे बंधवा लिए। यार इतना तेज यह म्यूजिक बज रहा है ना कि कॉपीराइट आने वाला है, तो मुझे लगता है पूरे वीडियो में वॉइस ओवर ही करने लगेगा। यहीं से देखो गाना चालू हो गया, अभी तो हम अंदर घुसे ही नहीं है, तो भाई म्यूट करना पड़ेगा पूरा गाना मुझे। यह है एंट्री, सामने स्लाइड्स, यहाँ आपके खाने पीने का सामान, पीछे वेव। बस फटाफट कपड़े चेंज करते हैं और मारते हैं घंटा। घंटा मतलब डुबकी, ऊपर से कूदते हैं ना तो घंटा बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर। ये भैया चाट पकौड़ी, तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे स्लाइड वाले में, कपड़े चेंज करके आपसे ऊपर मिलते हैं। तो भाई ये देख लो ऊपर से नज़ारा ऐसा है, ये जो मछली बनी हुई है इसके अंदर बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है और अंदर रेन डांस हो रहा है। तो वहाँ चलेंगे बाद में, पहले एक एक स्लाइड कर लेते हैं। तो ये वाली, ये लाल पीली वाली करेंगे अब। सबसे पहले का जा रहे हैं कैलाश जी, ये निकले हैं। मतलब देखो लगभग यहाँ से आप शुरू करोगे ना
और नीचे निकलने में आपको 30 से 35 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले, इतना ये मतलब ऐसे बना रखा है उन्होंने। इतना स्पीड से जाते हो तो गोली की तरह, मतलब ये रखा जी नीचे पहुंच गए। चला के जी आए हैं, कैलाश जी पहुंच गए। तो चलो अब मेरी बारी, वो जो आगे गया है उसका वेट कर रहा हूँ, वो एक बार निकल जाए बाहर तो फिर अपना नंबर। यहाँ पर तो अच्छी व्यवस्था है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब जगह बैठा रखे हैं उन्होंने, बाउंसर भी बैठा रखे हैं, कोई अगर बदतमीजी वगैरह करेगा तो उसको बाउंस करने के लिए, और सब जगह गार्ड्स वगैरह अच्छे बैठा रखे हैं। तो मिल गया सिग्नल, चलो चलते हैं। स्पीड देखिए यही 30 सेकंड में नीचे। अब यहाँ ये वीप शुरू हो गया। यहाँ क्या सीन है कि हर घंटे में एक बार 15 मिनट के लिए वीप शुरू होता है ये, तो उस टाइम सारे ये लोग जो एक्टिविटी दूसरे हैं बंद कर देंगे, स्लाइड वगैरह आपको सब यहीं आना होता है। ये भी मस्त आइटम है और 15 मिनट का चालू होगा हर घंटे से। चलो इसी को मजा करते हैं फिर आगे चलते हैं। बस ये देखो, बस यहाँ वे में डोलते रहो, मज़े करते रहो। सामने जो बड़ी स्क्रीन लगी है यहाँ आपकी बेहूद हरकतें ऊपर दिखाता रहेगा, और इस बेहूद हरकत देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, लोग पता नहीं टीवी पाने के लिए कितनी बेहूदगी करते हैं, आप पूछो मत। और ऊपर वाले बंदा ग्रेट है, जो बेहूदगी करेगा उसी को बड़ा करके दिखाएगा। ऐसा 500 रुपये में बुरा नहीं है यार, एक दिन भर आप यहाँ आराम से स्पेंड कर सकते हो, खाना खाने के लिए भी व्यवस्था है और ठीक है। बस अब हो गया ये बंद, समाप्ति की घोषणा। तो अब सब चलते हैं हम लोग इस रेनफॉल में। यार ये भी बहुत मस्त है, क्या ठंडा पानी आता है ना, मस्त। अभी टोटल जो ये रिकॉर्डिंग है ना ये गोप्रो की है, तो वाटरप्रूफ है, तो इसकी टेंशन नहीं थी मेरे को। चलो बरसात में नहा लें।
मछली के अंदर और यहाँ करते हैं रेन डांस। क्या इतना तेज़ म्यूजिक है, मतलब सर में बजने लग गया है गाना, था जोर से बज रहा है ना। तो बस 2 मिनट यहाँ ठुमके मार के निकलेंगे बाहर। या किलाजी मूड में आ गए हैं भाई पूरे। ये जो एरिया है ना, ये स्पेशली 4 फीट का है, बच्चों के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ लाके बच्चों को छोड़ दो, बच्चे फन करते रहेंगे, चिल मारते रहेंगे और आपको कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, बाहर इन्होंने आपके वो बैठा रखा है बंदा ध्यान रखने के लिए कि अगर कुछ हो जाए तो ये बचा लेगा। तो कुल मिला के ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों को लग गई भूख, तो हमने लिए मिक्स पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज। बस अब थोड़ी देर यहाँ पे खा पी के फिर निकलेंगे ढाबे की ओर। ये ज़्यादा थकने बाद क्या ना, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और जो बड़ों को सहन नहीं होती तो बच्चों को क्या ही होगी। यहाँ प्राइस भी ठीक थी, फ्रेंच फ्राइज जो थी एक प्लेट तकरीबन 90 की थी और पकौड़ों की प्लेट 100 रुपीज़ की। तो मतलब तो मार्केट के हिसाब से ही प्राइस है, यहाँ कोई ऐसा विशेष कोई लूटपाट नहीं मचा रखी प्राइस में लेके। इतनी भूख है ना, पूछो मत। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, फिर आते रहो, फिर खाए जाओ खाए जाओ, फिर आते रहो, यही काम है यहाँ पे। आगे तो भी चलो अच्छा फन है, फैमिली लाइक जगह है, आप यहाँ ला सकते हो और आराम से दिन भर मजे मार सकते हो। तो बस ये हमारा आखिरी स्नान और इसके बाद हम लोग निकलेंगे ढाबे की ओर। बस वापस जा रहे हैं, हो गया आज का कार्यक्रम पूरा, समाप्ति की घोषणा। लाए हम लोग बाहर, जिस साइड से एंट्री किया था उसी साइड से एग्जिट कर रहे हैं, और सामने ये चौपड़ियाँ से बनी हुई थी, सब बोले फ़ोटो खींचेंगे फ़ोटो खींचेंगे। हम लोग गए, पदम सिंह जी भी आ गए थे बाद में। तो बस वापस जा रहे हैं अब धरती धोरा की। भाई वहाँ नहाए नहीं तो खाना तो खा ही लेंगे। ये देखो सामने मस्त दिख रहा है ना, धरती धोरा की जो मस्त बना रखा है। तो बस पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से। यहाँ से आ गए,
तो ये बहुत गम जाती है दोहरा की। क्या तेजस, कैसा दिन तेरा? ठीक है था। मजा नहीं आया मतलब? मजा आया वो ज्यादा भी आया। ज्यादा मजा नहीं आया? जिसमें जाना था उसमें नहीं लग गए। कहाँ जाना था? इस साल में ये तो जगह मिली काम है तो मम्मी को क्यों नहीं लेके आ सकते? देख रहे रुक तो जाए। मम्मी को ले आते अगले वाले कहेंगे मम्मी को। क्या इधर भी फील है ना मुझे दुबई वाला आ रहा है कि साइड में उन्होंने डेट्स के पेड़ लगा रखे हैं, खजूर, और बीच में छोटा सा स्विमिंग पूल। पर लुक अच्छा है, फैमिली लाइक मस्त है, लेकिन पूल छोटा बहुत है यार। बाकी चलो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। अभी हमारे साथ साथ में दो लोग और हैं, वो आ रहे हैं, रमेश राकेश जी और एक ओम बन्ना सा शायद नाम है यही उनका, तो उनका वेट कर रहे हैं, आ जाए तो फिर ऑर्डर देते हैं। ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है और ऊपर टीले के ऊपर उन्होंने होटल बना रखा है। होटल बना नहीं है अभी, शायद नेक्स्ट मंथ इसकी ओपनिंग होगी। बाकी अच्छा लग रहा है दिखने में, अटलांटिस वाला फील आ रहा है। तो आपको अंदर का टूर दिखा देते हैं कैसा है इंडिया का ये रेस्टोरेंट, इनका साफ सुथरा और बड़ा एरिया। पहुंच के जब दोहरा की रेस्टोरेंट पीछे चला जी। तो कहाँ खाते देखे तुम? तेजी समझ जाओ अब। तो कैसा लगा भाई बता देना। पानी बारिश का पानी हो रहा है ना, प्रॉब्लम नहीं होती है। पानी चल रहा है से चल रहा है। अपने रुकेंगे कहाँ, वहाँ रुकेंगे रे यार, अपने तो वहाँ रुकेंगे। मिली को लाके कभी पूरी धरती धोरा की जो होटल बन रहा है बीकानेर में, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है यार। और मानो नहीं लगते कर्जों में है, बहुत मस्त बनाया है। और यहाँ का स्विमिंग पूल भी बहुत ऑसम। बस वे रेस्टोरेंट का वेट कर रहे हैं, साथ में दो लोग अभी कम हैं तो वो लोग आ जाएं, फिर रेस्टोरेंट भी देखते हैं। आज मौसम ने बहुत मस्त साथ दिया और यहाँ पे रेस्टोरेंट में कुछ बात बनी नहीं, खाने को कुछ मैं ढलका मिला नहीं,
तंदूरी वगैरह थी नहीं, तो हम लोग वहाँ से निकल आए। हम लोग आए हैं जैन साहब के ढाबे और सब लोग उन वेट कर रहे हैं। सबसे पहले आया है बाटी चूरमा, जो यहाँ की एक बहुत स्पेशलिटी है, तो पहले बाटी चूरमा खाएंगे, अब दूसरा खाना खाएंगे। ये देखो बाकी आ गया। आज यार बहुत भीड़ थी, तो सावन सोमवार भी है और बारिश भी लगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो थोड़ी सर्विस सुस्त थी। बाकी चलो फिर भी आ गया। तो बस ये वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। कुछ हो तो कमेंट कर देना। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो। लो और बड़ी सब्जी, हाँ डालो कटोरी।